अब लोकसभा चुनावी नतीजे को लेकर लगातार जो नए रुझान सामने आए उस पर अगर बात करें, अब तक शुरुआती रुझान से लेकर अब तक भारी बहुमत एनडीए को मिलने को लेकर आई है खुशखबरी, क्योंकि ये एनडीए के लिए खुशखबरी है। ऐसे में विपक्ष के लिए ये दुख भरी खबर है, क्योंकि विपक्ष काफी पीछे चल रही है। जी हाँ, 454 सीटों पर रुझान कायम है, जिसमें 542 में 454 में 279, जी हाँ 289 सीटें एनडीए के पक्ष में हैं, एनडीए के पक्ष में। और यूपीए के पक्ष में अगर माने तो यूपीए ने 90 सीटों में रुझान कायम कर लिया है, तो 76 सीटें अन्य के लिए है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर पंजाब के बारे में। जी हाँ, पंजाब में कांग्रेस का बोलबाला हमेशा रहा है, और कांग्रेस के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी आई है पंजाब से। जी हाँ, खबरें आई है कि 9 सीटों से पंजाब आगे है, पंजाब में यूपीए आगे है, लेकिन एनडीए पीछे काफी ज्यादा है। एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली है अब तक, शुरुआती रुझान की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी एक खबर है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है और अन्य को 1 ही मिली है। सबसे आगे है पंजाब में यूपीए। ऐसे में पंजाब में इस बार किसकी होगी सरकार, इस पर तय करना होगा जब पूरा का पूरा नतीजा सामने होगा। फिलहाल के रुझान की बात करें तो भारी बहुमत पंजाब में यूपीए के पक्ष में आई है, लेकिन एनडीए ओवरऑल एनडीए के पक्ष में जीत होती नजर आ रही है, क्योंकि 289 सीट की हम बात कर रहे हैं और 289 सीट एनडीए के पक्ष में है, 90 सीट सिर्फ यूपीए के सीट में है। ऐसे में बात अगर की जाए पंजाब की, तो पंजाब में बीजेपी को लेकर तमाम उम्मीदें कि इस बार बीजेपी वहां पर इतिहास बनेगी, लेकिन अब तक कांग्रेस के पक्ष में ही रुझान के नतीजे सामने आए हैं, और इस बार कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीदें पंजाब से है, जिसमें उम्मीदें अब तक तो काफी ज्यादा हद तक पूरी होती नजर आई, लेकिन पूरा का पूरा नतीजा बाकी है। देखना होगा पंजाब में क्या ये जो रुझान है बदलते हैं, या फिर सच में कांग्रेस के पक्ष में पंजाब में उनके लिए एक बड़ी बहुमत सत्ताधारी सरकार के खिलाफ तय होगी, देखना होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यूपीए के लिए जो बड़ी खबर है वो ये है कि वायनाड में पहले ही राहुल गांधी ने आगे कर लिया है खुद को, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल जंग जारी है कांग्रेस के लिए, जहां एनडीए काफी हद तक आगे निकल आई है। देखना होगा 28 सीटों से बीजेपी जो आगे है उत्तर प्रदेश में, उसे किस तरह से पीछे छोड़ती है कांग्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, लौटेंगे जल्द आपके बीच फिर नई अपडेट को लेकर, लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर। तब तक के लिए देखते हमारा चैनल, नमस्कार।